नमस्कार, मैं हूँ रुचि पांडे और आप देख रहे हैं हमारा इंटरनेशनल खबरों का खास कार्यक्रम दुनिया दरबार। आज बात उत्तर कोरिया की, उस तानाशाही की जिसमें लोगों को मनचाहे कपड़े स्टाइल रखने तक की मनाही की गई है। इस कारण लोगों को उत्तर कोरिया में तानाशाही के शासन के बारे में तो दुनिया से कुछ छुपा नहीं है, लेकिन शायद यहाँ सख्ती की कोई सीमा ही नहीं है। यहाँ युवाओं को पहले फंकी हेयर स्टाइल और रिब्ड जीन्स पहनने के लिए मना किया गया है और अब स्लैंग शब्दों के इस्तेमाल तक पर पाबंदी लगा दी गई है। युवाओं को चेतावनी दी गई है कि दक्षिण कोरिया की स्ट्रीट भाषा को अपनाने से पहले वे दो बार सोचें। देश में किसी भी तरह की बाहरी असर को खत्म करने की मुहिम छिड़ी है। इसके मद्देनजर कड़े से कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। जो लोग इन कानूनों का पालन नहीं करते उन्हें जेल से लेकर मौत की सजा तक का सामना करना पड़ता है। देश के स्थानीय अखबार में छपे आर्टिकल के जरिए युवाओं को दक्षिण कोरिया के पॉप कल्चर के नुकसान से आगाह किया गया है। इसमें कहा गया है कि रंगीन साइन बोर्ड के जरिए बुर्जुआ विचारधारा और सांस्कृतिक घुसपैठ बंदूक के लिए खड़े दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक है। इसमें प्योंगयांग की भाषा को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। पिछले महीने तानाशाह किम जोंग उन ने कोरियन पॉप के फैंस को मौत की सजा की धमकी दी थी और उस संगीत को कैंसर बताया जो देश को खराब कर रहा है। पिछले दिनों आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि किम जोंग उनको डर है कि पश्चिमी सभ्यता के देश के युवा पर असर से उनके शासन को खतरा हो सकता है। स्किनी जीन्स, रिब्ड जीन्स और फैशनेबल हेयर स्टाइल को पूंजीवादी लाइफस्टाइल के बढ़ते हुए असर की नजर से देखा जाता है। योनहाप न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम के शासन में ऐसे लोगों के लिए कड़ी सजा है जिनके पास दक्षिण कोरिया में बने वीडियोस पाए जाते हैं। बाल रंगने या पियर्सिंग कराने की इजाजत भी नहीं है। किम ने गैर समाजवादी हेयर स्टाइल गैर कानूनी कर दिए हैं और कुछ खास हेयर कट्स की इजाजत है। स्टेट न्यूज़पेपर द रुडोंग सिनमुन ने अपील की है कि ऐसी चीजों को दूर रखा जाए जिनसे गीली दीवार की तरह देश के ढहने का खतरा हो। ये थी मुख्य खबर, अब रुक करते हैं दिन की सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तुलना कई बार तानाशाहों से की जा चुकी है। अब उनका एक ताजा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोगों को उनके दोस्त और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की तानाशाही याद आ गई है। दरअसल शी जिनपिंग के स्वागत में जिस तरह सैनिक तालियां बजाते दिखे हैं उसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं। दूसरी सुर्खी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनने के बाद पहली बार तिब्बत का दौरा किया है। इस दौरान जिनपिंग ने राजधानी ल्हासा में डेपुंग मठ, बरखोर स्ट्रीट और पोटाला पैलेस जैसे प्रसिद्ध बौद्ध मठों का दौरा भी किया है। तीसरी सुर्खी, दुनिया भर में बच्चों की कोरोना वैक्सीन की खोज के बीच यूरोपीय औषधि नियंत्रक एजेंसी ने मॉडर्ना के कोविड टीके को अपनी मंजूरी दे दी है। यह टीका लगभग सभी यूरोपीय देशों में 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों को लगाया जाएगा। ये पहली बार है जब टीके को 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुमति मिली है। यूरोप में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। चौथी और अंतिम सुर्खी, सीरिया में तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली वायुसेना की एयर स्ट्राइक को नाकाम कर दिया है। रूस निर्मित बक M2E एयर डिफेंस सिस्टम ने गुरुवार तड़के सीरिया के होम्स प्रांत में इजरायली F-16 लड़ाकू विमानों से दागी गई 4 गाइडेड मिसाइलों को मार गिराया है। रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। विश्व की अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए दुनिया दरबार। धन्यवाद।